first shloka, together we'll chant. साथ में वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। तो अब तक हमने देखा तत्वबोध, इस ग्रंथ का अभ्यास करने हेतु कौन सा विद्यार्थी आता है, जिसने जीवन में विचार किया और ये जाना कि ये जीवन में हम जो प्राप्त करते हैं उसकी मर्यादा क्या है, और अगर हम न खोने वाला सुख आनंद पाना चाहते हैं तो फिर इस तरह से जीवन जीते रहेंगे तो ये संभव नहीं। कोई ऐसी चीज हमें ढूंढनी चाहिए जो हमेशा हमारे साथ में रहे, द इटर्नल ट्रुथ, द इटर्नल जॉय। ऐसा सोच के ये विद्यार्थी अपने गुरु के पास गए, फिर कहा कि ऐसे विद्यार्थी के पास कौन से गुण होने चाहिए, तो चार गुण बताए, नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, समाधि शतक संपत्ति, मुमुक्ष। इन चार गुणों को धारण करेगा तो फिर इस विद्या को पाने के लिए वो अधिकारी बन जाएगा, है ना। अब ऐसा अधिकारी विद्यार्थी इस पुस्तक का जो विषय है सत्य तत्व बोध, उसको पढ़ेगा तो उसे क्या मिलेगा, बोले उसे स्वतंत्रता मिलेगी, फ्रीडम। किस चीज से स्वतंत्रता मिलेगी, भय से, उसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति माने क्या, जीवन से भय नष्ट हो गया, सभी प्रकार की अनिश्चितता, फ्यूचर इनसिक्योरिटीज, उससे भी मुक्त हो गए, सभी प्रकार के दुख व्याधि आदि उससे भी मुक्त, मन की जितनी भी कठिन आदि व्याधि, माने मन के दुख, शरीर के दुख, सभी प्रकार की चिंता है सबसे, ऐसा संभव है? हाँ संभव है। कैसे संभव है, बोले इस विषय का ज्ञान पाने से यह संभव है। तो अब ये ज्ञान जो है उसका महत्व, उसको पाने से क्या मिलेगा और कौन से विद्यार्थी को इसमें प्रवेश होगा, यहाँ तक विषय हमने देखा, है ना। दिस मच वी हैव सीन सो फार, नाउ लेट अस सी। अभी जिनके पास अंग्रेजी किताब है, इंग्लिश बुक, कम टू द फर्स्ट पेज कंटेंट्स। कंटेंट्स और हिंदी में ये है क्या, अनुक्रमणिका है हिंदी किताब में, शायद नहीं है, शायद उसमें नहीं है विषय। आप में से कोई एक काम करो ना, एक ऐसा बनाओ, ये जो अंग्रेजी में बनाया है ना उसको देख के हिंदी के लिए बनाइए, कौन से विषय, कौन से पेज नंबर पर, जैसे इसमें दिया है अंग्रेजी वालों ने ज़्यादा मेहनत की है। अब धीरे धीरे ऐसे ही होता जा रहा है ये सब विषय, हमको पता नहीं फिर कुछ दिनों के बाद में हमको यूरोप में अमेरिका में जाके भी इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो मेहनत करके उसको ठीक ठाक बनाते हैं, हम बोलते हैं हाँ इधर ही है तो ज़रा हिंदी पढ़ने वाले लोग जो है ना, ज़रा तुम मेहनत करो, ये अंग्रेजी वाले लोग, और इससे हिंदी वाला बनाओ, उसके पेज नंबर अलग होंगे, है ना। आप लोग बैठ के इसको बनाओ तो सबके लिए फिर वो उपयोगी हो जाएगा, फिर एक ऐसा हम उसको हाथ से जिसका अक्षर सुंदर है लिखिए, फिर हम उसका जेरोक्स निकाल के जिनके पास हिंदी किताब है उन सबको ये देंगे, है ना। तो मराठी तो यहाँ कोई नहीं, शायद मराठी वाले तो किताब दिया है मराठी, ऐसा कोई नहीं ना,
तो उसके लिए हिंदी आप जरा बैठ के बनाइए, और जो शब्द आपको नहीं समझ में आएंगे फिर इनके साथ बैठ के डिक्शनरी देख के वगैरह उसे लिख दीजिए, तो सबके लिए वो ज़रा उपयोगी हो जाएगा, है ना। तो अभी जो अंग्रेजी है उसके हिसाब से चलते हैं। देखो पहले पहले हमने इस विषय के पहले हमने देखा वो दिया है, उसके बाद में ये चार गुण बताए हैं, फिर सत्य की खोज, है ना, वो टॉपिक दिया है। अब इसमें क्या दिया है वो एक श्लोक हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास समय पूरा नहीं है, तो हर एक विषय का जो सविस्तर जो वर्णन है ना, द डिटेल स्टडी हैज टू बी डन बाय यू, आज हम सिर्फ उसको बीज रूप में देखेंगे, विल सी ओनली इन द सीड फॉर्म एंड द डिटेल थिंग यू हैव टू स्टडी, ओके, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, समय इतना नहीं है। आप सब विषय तो होशियार लोग हैं, ज़्यादा समझाने की जरूरत है ना, और फिर हम स्टडी क्लास में तो मिलते रहते हैं सवाल जवाब करने के लिए, आगे दिन स्टडी क्लास हुई क्या, आस्क क्वेश्चंस एंड क्लैरिफाई, ओके। अभी आप आइए पेज नंबर 34 इन इंग्लिश, और हिंदी में जो विषय चलेगा आत्मा कह, ये प्रश्न पूछा गया है, आत्मा क्या है ये प्रश्न पूछा है। और उसके पहले वाला एक कि ये तत्व विवेक कह, क्योंकि हमने चार चीजें देखी थी ना किताब के बारे में, जिसे कहते हैं अनुबंध चतुष्टय, पढ़े जाने अनुबंध चतुष्टय, कोई भी किताब अगर हम लेते हैं पढ़ने के लिए तो हमें सबसे पहले क्या पूछना चाहिए, ये किताब किसके लिए है, इस किताब का विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, इसको पढ़ने से हमें क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये चार प्रश्न हमें हमेशा पूछने चाहिए, है ना। क्योंकि समझो आपने पढ़ा कि एक बिजनेस कैसा करना है, इसकी किताब है सपोज, तो आपने किताब पढ़ लेने से काम नहीं होगा, फिर वो किताब बंद करनी पड़ेगी, फिर वैसा काम करना पड़ेगा है ना। किताब में आपने पढ़ा कि पोहा कैसे बनाना है, उपमा कैसे तो कहते ये किताब पढ़ने से क्या होगा, बोले तो आपकी जो भूख है उसको शांत करने के लिए किताब है, तो पढ़ लिया, पढ़ने मात्र से तो नहीं होगा, फिर उसके बाद उसके अनुसार आपको साधन जुटाने होंगे, वो बनाना पड़ेगा, उपमा खाना पड़ेगा, फिर होगा है कि नहीं। तो कैसे होगा का जवाब क्या है, ये किताब पढ़ के उसके अनुसार कर्म करने से होगा। अब इस विषय इस किताब के जो कैसे वाला जो प्रश्न है उसका जवाब क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा इसका, इसको पढ़ने के बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा किताब का अधिकारी कौन है जिसके पास ये गुण है, इस किताब का विषय क्या है, ब्रह्म विद्या आत्म विद्या तत्व विद्या, इससे मिलेगा क्या मुक्ति, और कैसे, बोले केवल इसे जानने मात्र से, इसकी विशेषता है। वापस कुछ जाके उपमा बनाने के लिए है क्योंकि हमने क्या देखा, कर्म करने से हमें क्या मिलता है, जो हमारे पास नहीं है, दैट विच वी डोंट हैव दैट यू कैन गेट बाय योर एफर्ट्स। अब यहाँ पे हम किस चीज की खोज कर रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है देखो इसमें फर्क है, दिस इज द डिफरेंस। तो कैसे वो जो संबंध है ना, संबंध वो इस किताब में अलग है इसे केवल जानने मात्र से आपका सब प्रकार का भय बंधन मुक्त हो जाएगा, वहां पर जाके कुछ करना नहीं है, बोले हमने तो पढ़ लिया, हमारा तो कुछ हुआ नहीं आपने कहा था कि पढ़ने मात्र से, तो ऐसा क्यों हुआ, हो सकता है कि वो जो चार गुण बताए वो हमारे पास पूरी मात्रा में ना हो, तो उसको पाने के लिए फिर कुछ करना पड़ेगा, वो गुण पाने के लिए थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, शम दम उपरम तितिक्षा अगर नहीं है
तो थोड़े व्रत इत्यादि उपवास इत्यादि हो जाए, कुछ कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी और वो करके फिर वो गुण आ गए, फिर आपने ये चीज़ समझ लिया। समझना ही काफ़ी है, क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ हमें पानी होता है हमारे पास ही है, उसको पाना थोड़ी है, प्राप्तस्य प्राप्ति है, ध्यान में रखना अच्छा उसको जान के और कुछ करना नहीं है। तो हम जो ये तत्वबोध के ऊपर 2 दिन का सेमिनार रखे हैं, वो किस लिए रखे हैं? ताकि ये समझने में उपयोगी हो, इसलिए हमें उससे कुछ करना नहीं है, किसी और को सिखाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन वो बताने के बहाने हम उसे अच्छी तरह समझेंगे। वो समझना हमारा मूल है, जिसने भी इसे अच्छी तरह समझ लिया उसे फिर वापस क्या करना है उसका कन्फ्यूजन नहीं रहता है। जैसे किसी ने कहा आप चाय पी रहे हो, हाँ अरे इसमें विष है, देयर इज अ पॉइजन इन द टी विच यू आर ड्रिंक, अब ये क्या हो गया? ज्ञान हो गया। अब ज्ञान होने से ही आपकी मुक्ति हो गई कि नहीं? वापस पूछोगे कि फिर मैं क्या करूँ? अरे बुद्धू वापस क्यों पूछ रहे हो? तो मतलब आपको समझ में नहीं आया व्हाट इज पॉइजन, यू डोंट नो आई थिंक, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस यू डोंट नो, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग व्हाट आई शुड डू। आपने अगर अच्छी तरह समझ लिया पॉइजन माने क्या, उसके परिणाम क्या होते हैं, तो फिर से ये सवाल नहीं पूछोगे कि मुझे क्या करना है। और ऐसा जो मुक्त है जिसने इसे समझ है, वो क्या करेगा? एवरीडे पार्टी, दैट वी ऑलरेडी सीन, हिज लाइफ इज टू स्प्रेड हैप्पीनेस, बिकॉज ही डजंट हैव टू डू एनीथिंग टू गेन। उसी को हम कहते हैं संत महात्मा, वी ऑल आर गोइंग टू बिकम सेंट। क्योंकि उनके जीवन का प्रयोजन क्या है? स्प्रेड व्हाट दे हैव गॉट। जैसे मंदिर में कोई प्रसाद मिलता है तो देखो बाकी जो पुरुष लोग तो जनरली खा लेते हैं, सब माताएं जो होती है फिर वो थोड़ा सा रख लेती है, तो घर को देने गए यानी कि हमारे आश्रम का नाम भी मौली रखा है, मौली माने मदर। तो ये ज्ञानी पुरुष जो है उनको भी मदर ही बोलते हैं। उनका प्रयोजन क्या है? वो चाहते हैं कि सबको दे, मुझे जो मिला है वो सबको जल्दी जल्दी मिल जाए। वो बेचारे इधर रो रहे हैं, उनके दिल में बड़ी दया कृपा होती है, उनके जीवन का प्रयोजन और कुछ नहीं है। स्प्रेडिंग हैप्पीनेस द ओनली वर्क, दे डोंट नीड एनीथिंग फॉर दैट। अगर वो शरीर है, उनके पास कोई कला है तो उसके द्वारा, वो नहीं भी है तो उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती। एनीथिंग इज ओके फॉर देम टू कम्युनिकेट, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इट एट ऑल, वो तो मुक्त हो गए, है ना। तो ये 4 विषय हमने जो देखे है ना, अधिकारी, विषय, और फिर गोल उसका साध्य, और कैसे उसे प्राप्त करें, एलिजिबल, व्हाट इज द एलिजिबल पर्सन फॉर रीडिंग दिस बुक, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस बुक, देन व्हाट इज द गेन बाय रीडिंग दिस बुक एंड हाउ। तो ये ब्रह्म विद्या छोड़ के बाकी सभी जो है उसमें ज्ञान पाने के बाद कुछ कर्म भी करना पड़ता है, तब जाके आपको वो मिलता है। आप ग्रेजुएट बन गए उससे थोड़ी ना कुछ होता है, फिर उस वो ज्ञान को यूज करके आपको नौकरी करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा, फिर आपको जो मिलेगा संपत्ति, यश, कीर्ति। लेकिन ये विषय कैसा है? केवल जानने मात्र से हमें वो जो साध्य है, गोल, फ्रीडम, मुक्ति, वो मिल जाने वाली है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा? वो अधिकारी कौन से गुण होने चाहिए उसके ऊपर थोड़ा चिंतन किया। अब गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी ने इसके ऊपर इतनी सुंदर व्याख्या लिखी है, आप उसे फिर और डिटेल में पढ़िए और चिंतन करिए। तो ऐसा मान लेते हैं अभी क्या कि हमारे पास वो गुण आ गए, मे नॉट बी इन दैट फुल मेजर, बट इसलिए हम शुरू में जो प्रार्थना करते हैं ना, प्रेयर, वो किस लिए करते हैं? भगवान ये गाड़ी अटकी हुई है क्योंकि हमारे पास गुण नहीं है, इसलिए हम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं सकते हैं कि इसलिए हम टेढ़ा मेढ़ा काम करते रहते हैं, फिर इसलिए हमारे पास गुण भी नहीं आते हैं, फिर ये चक्र छूटेगा कब?
Because we don't have these qualities, so we are not understanding. Because we don't understand, so we do mistakes in life, and then we do mistakes, we don't get these qualities. Ye chakra mein se chutenge, how we will come out of it? So we pray to you, Lord, but give on credit. Jaise hamare paas nahi hoti hai. Suppose guests are coming and you don't have good crockeries, so kya karte ho? There is no time to go purchase. So you ask the neighbor, give him till evening, please give me. I will return it without breaking. उधार लेते थोड़ी देर के लिए तो उससे काम चला लेते हैं. वैसे हमने प्रार्थना कर ली, भगवान ये गुण हमारे पास थोड़े आप उधार दे दो, देन लेटर ऑन आई विल ट्राई फॉर माई ओन. क्योंकि गुण नहीं है तो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि समझ नहीं पाते तो ये गुण पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ये भी हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, इसलिए प्रयास भी नहीं करते. तो थोड़ा टेस्ट हमको थोड़ा मिल जाए समझने का, इसलिए भगवान को प्रार्थना करते हैं थोड़ा सा समझने दो हमें, पूरा ही नहीं, थोड़ा टेस्ट लग जाए एक बार चस्का. वंस वी गेट अ टेस्ट फॉर इट, देन आई विल स्ट्राइक फॉर इट, यू नो. तो ऐसा हम अभी मान लेते हैं, भगवान हम पे कृपा करे, ये गुण कुछ मात्रा में हमें मिल जाए ताकि हम इसको थोड़ा तो समझे. तो फिर पहला जो मुख्य इसका विषय है, क्या विषय है इस किताब का? तत्व विवेक, ट्रुथ, डिस्कशन अबाउट ट्रुथ. तो पहले वो विद्यार्थी फिर वही प्रश्न पूछता है, क्या है ये विषय तत्व विवेक कह. अब लोग समझते हैं आजकल फास्ट जमाना चल रहा है, और अरे फास्ट नहीं, ये फास्टेस्ट है आई टेल यू. शंकर इसे ये स्टूडेंट इतना सारा मेहनत करके आया है, नाउ लेट अस नॉट डील हियर देयर, स्ट्रेट आंसर ही गिव्स इन वन सेंटेंस, देन यू वेट वेदर यू अंडरस्टूड, वेदर देयर इज अ नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन और नॉट. इफ देयर इज नो नीड, ही हैज अंडरस्टूड, दैट इज नो नीड. स्ट्रेट ही गिव्स द आंसर. व्हाट इज द आंसर? आत्मा सत्यम तद अन्यत सर्वम मिथ्या इति. What is the truth? By knowing I will get freedom. What is the truth? So the Guru answers, that is you, yourself. Atma means what? You yourself. Me, myself. Atma ka shabd ka artha kya hai? Main. Wohi ek sach hai. अच्छा उसके अलावा ये इतनी सारी चीजें, मुझे घर के काम भी तो करना है, मेरी ड्यूटी भी तो करनी है, ये करना है, वो तो मिथ्या है. That all is insignificant. Once you achieve that, everything will fall in place. Without that, if you keep on doing everything else, nothing you will gain. You will be again back to क्या बोलते हैं, back to square one. घूम के उधर ही है. How many things you do without doing the main thing? All is the best. And if you do that one thing, all other things need not be done. It will be achieved. After all, through that we, what we want to achieve, that only we got it. Suppose you are going out and your vehicle is there, you want to catch that vehicle and you miss that bus and you are worried. You have the ticket in the hand but you missed that bus or train. Somebody else comes and says, come, I am going in the car, I will drop you there. But what about that train? No. Train was not the goal. Catching train was not the goal. But what about my ticket? That was also not the goal. Your goal was to reach by the train to that. No, he is taking you directly in the car. So if I say, what about my duty? Then I want to do this and that. But all that was meant for this only, ultimately. The discovery of truth, duty, is to integrate your personality so that you can achieve your main goal. Once you achieve the main goal, everything else is already achieved. Everything falls in right place. Duniya ka kya ho jayega, mera ghar kaise chalega, mera office kaise chalega? It will run better. Now you are confused, so you are creating mess there. Everywhere you are creating mess because of non-clarity. You don't know where to stop, you don't know where to start. Those things which you are supposed to do, you don't do. Those things you are not supposed to do and stop there, you keep on doing and make a mess. There is total confusion everywhere. So everything will become perfect, fine, once you achieve this main goal. What is that? Knowing myself. Atma. So moment the Guru used the word Atma, the student is immediately alert. He is not like you, nodding head for everything.
इमिजिएटली कैच इट, यू सेड आत्मा, व्हाट इज आत्मा, आत्मा कह, नेक्स्ट इवेंट, देन ही सेज व्हाट इज यू, एंड व्हाई शुड समबडी एल्स कम एंड टेल मी व्हाट आई एम, व्हाई सम बुक शुड बी देयर, ही सेड देयर इज अ नीड, व्हाई, बिकॉज यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर. And because you've forgotten, you started thinking of yourself as something else. The problem is not only one, that you forgot yourself. If that would have been the case, it would have been easy that you reminded its problem is over. No, when I forgot myself, in the meanwhile, I started assuming myself something else. And that has taken such a deep root now, that I think now I am that, which I am actually not. So now the Guru has to give an elaborate answer. What you are not. So the answer is, Stula sukshma karana shariraad vyatirikta pancha kosha atita avasthatraya sakshi sachidananda swarupa yaha tishtati saha atma. So big answer is given. One half of the answer is what? What you are not, and half of the answer is what you are. What you are, that we'll see first. Well, I always had a habit of going reading the book from last page. Yeah, when the novel is there and detective and all that, who killed the person? You read the last page first. Some people are like that, and I don't know. So, who you are? Satchidananda Swarupa. Achha, then what am I thinking of myself now? That which I am not. What you are thinking that which you are not? Sthula, sukshma, karana, sharira, advitirikta. Right now you are thinking this body you are. Then the emotions in your mind. That I am. I am hurt, like that. Yeah. Who is hurt? My emotion is hurt. I am not well. Oh, who is not well? My body is not well. But I don't say like that. I say, I am not well. Body is not well means I am not well. I am body. That is strong. So now you know. Body is called here as sthula sharira. That which you see, flesh and blood and bones. You are other than that. Sthula sharira with it. Then maybe I am the mind, feeling, emotions. No, sukshma sharira adhyate. Then, this sthula sharira, sukshma sharira, from where it has come? What is the cause? That is called karana sharira. What is that? Oh, that is my forgetting myself is the seed for it. Ignorance is the cause. That is called karana sharira. The name is also given like that. Karana means cause. Causal body. Some people who don't know how to pronounce this, casual body. Casual body. English is also performed. Not casual body. Causal body. It is a cause for thinking that I am this body. Why I am thinking I am this body? Why I am not thinking what I am actually? What is that cause? Ignorance. That ignorance. Huh? That bundle of ignorance. That is called karana sharira. When I go to deep sleep, I am with the karana sharira. That time I don't know. My knee is paining, my back is paining. When you go to deep sleep, the pain, where it disappears? It is not there. I got hurt, I got insulted. Mera apman hua. So jaate ho to kidhar gaya wo apman? Apna ghutno ka dard, sar dard, sab gayab ho gaya. Kidhar hai aap? Kya hai wahan pe? Kuch nahi hai. लेकिन सबको अच्छा लगता है सोना. सोने के बाद कहाँ पता चलता है? घर में सोए है कि आश्रम में वेदांत क्लास में सोए है? सोए क्या? शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है. क्या अनुभव है? सबका अनुभव एक ही है. क्या वहाँ कुछ नहीं है, बड़ा अच्छा लगता है कुछ. वी आर क्लोजर टू आवर सेल्स. सबको सोना अच्छा लगता है कि बताइए. All said and done, you do anything.
साइट सीइंग को जाओ, मूवी को जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, कुछ भी करो जो, बट लास्ट थिंग व्हाट यू वांट टू डू एंड ऑफ द डे, बस हो गया स्वामी जी, बस फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन, बस बस हो गया सोने का अनुभव क्या है, वहाँ क्या मिलता है, वो आनंद परमानंद सबका अनुभव है कि वहाँ आनंद मिलता है, क्यों? ठीक है, किसी को आप मनपसंद चीज दी, आपको खुशी हुई तो समझ सकते, यू गॉट योर फेवरेट फूड एंड यू बिकेम हैप्पी, अंडरस्टैंडेबल, बट हियर इन द डीप स्लीप देयर इज नथिंग एंड यू बिकम हैप्पी, हाउ कम, व्हाट, बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर बिकमिंग हैप्पी देयर, देयर इज नथिंग, आई एम नॉट अवेयर ऑफ माई बॉडी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ माई फीलिंग्स, फिर भी मैं आनंद का अनुभव करता हूँ, तो वहाँ कहाँ से मिलता है फिर वो आनंद, बाहर की तो कोई चीज़ नहीं है, खाना पीना नाच गाना कुछ भी नहीं है, तो कहाँ से आता है फिर, कहीं अंदर से ही कहीं से आता है, वो क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप, तो जरूर वो स्वरूप तो अंदर ही होगा। अब जागते समय मैंने कभी ये प्रयोग करके देखा नहीं कि जब मुझे बोर हो गया, दुखी हो गया, तो मैं आँखें बंद करके अंदर चला जाऊँ, वहाँ से वो आनंद ले लो, मैंने ध्यान कभी सीखा नहीं, चुप बैठना तो मुझे मालूम ही नहीं चुप बैठना बहुत मुश्किल है सबसे कठिन रेस्टलेस क्योंकि मैं अपने आप को तो शरीर मन बुद्धि मानता, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, इसलिए मुझे पता ही नहीं है सच्चिदानंद स्वरूप। तो अगला जो अभी सेक्शन है ना, ये डिटेल स्टडी है किसका, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, क्यों इसको पढ़ना है, वो तो हम है नहीं तो क्योंकि हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान नहीं है सच्चिदानंद, तो इस चीज को छोड़ के उस चीज़ को मैं मान लेते, उस चीज़ को छोड़ के उसको मैं मान लेते, तो अलग अलग चीज़ों से अपना तादाद में करते रहते, अपने आप को उसके साथ एक रूप कर लेते, वी गेट आइडेंटिफाइड विद डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। अब सो मेनी पीपल दे लिव एवरीथिंग एंड वो रिनाउंस एवरीथिंग, सब घर बार छोड़ के हिमालय में चले गए, फिर वहाँ एक झोपड़ी बनाए, फिर वो झोपड़ी में आसक्त हो जाते मुश्किल है एक छोड़ो दूसरे घर, हम देखो अपने जीवन में भी देखो हम कितने बार है, बचपन में हमको जो चीज़ें चाहिए थी फिर वो छोड़ दी कुछ समय के बाद, दूसरी चीज़ें ले ली, फिर घर भी बदलते हैं, जगह भी बदलते हैं, गांव भी बदलते हैं, लोग भी बदलते हैं, फैमिली भी तो कहाँ एक रहती है, पुराने मेंबर उसमें से जाते रहते हैं, नए मेंबर आते रहते हैं, न्यू बेबी द बॉर्न दे बिकम पार्ट ऑफ आवर फैमिली, चलता रहता है कि तो एक को हम छोड़ देते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं, फिर वो हमारा अस्तित्व बन जाता है, जैसे एक प्रवास यात्रा में when your journey is there, when you get in the train, तो फिर वो सीट जो होते हैं, this is my seat, तो बोलते हैं कि झगड़ा भी करते हैं, suppose when you go there and you see that somebody is sleeping there, hey उठो उठो उठो, get up, how come you sleeping here, even if somebody keeps a little bag also, he says, ये किसका है किसका, who's this, who has kept it, this is my seat. उसके लिए झगड़ा भी करते हैं, उसमें मोहम्मद तो में वो सीट ही आप बन जाते हो, जो भी वो सीट को परेशान करेगा वो आपको परेशान नहीं करता, होता है कि नहीं, वो सीट ही आपका स्वरूप हो जाता है, एनीबडी ट्रबल्स दैट सीट इट इज अ ट्रबल फॉर मी, सीट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम मी, सीट इज मी ओनली, हाउ लॉन्ग टिल यूर स्टेशन कम्स, वंस योर स्टॉप कम्स you get down, then after that who is sitting on that, who is keeping their bag, I have nothing to do now that is broken, after getting down do you again peep from the window, let me see who is sitting on that seat which I don't turn back and see now my is the next worry, the people have come to pick me up or not see. So the tendency of the mind is to, once you leave it, another thing it catches. That you leave, another thing it catches. You will keep on catching something or other, you know. So, with a lot of efforts you get rid of one thing,
But you do not hold to the main thing, then something else you will catch. So this thing should be stopped. How? Let us learn everything which I am not, so that I will not make a mistake of. Isliye sthula sukshma karana sharir. Detail, it is very interesting. इस किताब में जो छोटे रूप में दिया, फिर वो विवेक चूड़ामणि में और उसमें विस्तार से दिया, ब्यूटीफुल एग्जांपल्स एंड ऑल. क्योंकि देखो ये जो विषय है हम कुछ मिनट्स के लिए सीखने वाले, फिर बाद में घंटों, दिन, हफ्ते, महीने क्या चलने वाला है, यही सच है. जिसको यहाँ हम क्या बता रहे, अरे नहीं है, हियर वी आर स्टडी, हियर दैट इज नॉट गोइंग टू गिव मी हैप्पीनेस फॉर एवर. But this thought is lingering in the mind for just few minutes. As soon as this after lunch session is over, our session is over. Once you go back in the world, everybody will tell, why are you wasting time? Where did you go? This world only is there. Pay attention here. Continuously that will be bombarded. Now how to, ye rasikhe jo, how to? Remain focused and rooted in this thought. You have to create a fortress for yourself. So you have to read the literature. The thing which you have studied has to be strengthened from different angles. So same topic will be dealt in the Vivek Chudamani, same topic will be dealt in Gita. But that will strengthen your thought. Otherwise, again it will get faded and you will go there and again. Then by the time you come back for the next camp, a long time goes. Last time. Lot of time was gone waste. That's why detail, elaborate study, so that no chance, nothing should be taken for granted. I don't want to take any chance. Don't leave any stone unturned like that. Later on, I don't want to become a victim of another thought. Again fall prey to that. Again waste long time. Again come back. इसलिए detail में पढ़ाया जाएगा क्या? स्थूल शरीर मैंने ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, कारण शरीर, कॉजल बॉडी. फिर क्या पढ़ाया जाएगा? पंचकोश. ये पंचकोश क्या है? फाइव शीट्स. ये क्या है? बोले ये जो स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर है, ये किन चीजों से बना है? व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स? माय बॉडी, gross body, subtle body and causal body, they are made up of what? Five elements and their combinations. So that panchakosha will be taught. Five seeds. I tell you, once you study these, after that any experience in your life, you can put it in this. Okay. I am feeling hurt. The other people say, but once you study, you should say, no, it's problem of a sukshma shari, not my problem. I am not well. Oh, that is the problem of a sthula shari, not me. I don't understand. Oh, karana shari. So the sorrows and joys, up and down in life is for these, not for me. I am sitting on the bank of the river. That is meditation. See, meditation is possible only after you study this. ध्यान भी तभी कर सकते हैं जब इन सब का पढ़ाई हम कर लें. नहीं तो किस चीज़ का ध्यान करेंगे? बैठ गए शाम को कौन सी सब्जी बनाना है, जैसे जाते जाते वो ले लेंगे. वो सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान थोड़ी. तो ये पांच कोश, तीन शरीर इसलिए पढ़ना है ताकि हम अलर्ट हो जा रहे हो, माइंड तो उधर चला गया वापस उधर, मैं वो नहीं हूँ. अवस्था त्रय साक्षी. ये अवस्था क्या है? आप अभी किस अवस्था में हैं? वेकिंग स्टेट. श्योर? ऑल दोज हु आर नॉट वेकिंग और स्लीपिंग प्लीज रेज देयर हैंड्स. यू कैन नॉट सी दैट ऑलरेडी दे स्लीपिंग. तुम्हारा मन जो है जागृत अवस्था में, फिर हम जब सो जाते हैं तब हम कुछ स्वप्न देखते हैं, तो वो अलग दुनिया में चले जाते हैं. देन दिस वर्ल्ड इज नॉट देयर.
What is that world? How do we see the dreams? What is the dream? From where it comes? What is the meaning of? Some people keep finding meaning in the dream also. That all will be dealt in the this avastha. Svapna avastha. Jagrat avastha. These experiences which we get, they will be analyzed. And then when we go to deep sleep, there even not a dream is also not there. What is that? Where do we go that time? If we are not aware of this body, then how, where do we go? What is that experience and how do we come back? Deep sleep, Sushupti avastha. It is none of these three. You are the witness of all these three. You were there when you were sleeping? No, I don't know. You said after sleeping, what do you say? It was a good sleep, nice. What was there? Nothing was there. Who is declaring nothing is there? Huh? Suppose after lunch, the camp is finished actually, but you didn't hear properly. So after lunch, again you come in the hall. Then koi nahi idhar. So you call. Swamiji, idhar to koi nahi hai. Kidhar? Hall mein. Koi nahi hai. Then how do you know koi nahi hai? Then I am there in the hall. But other than me, there is nobody. So if you say in the deep sleep, there is nobody, there is nothing. Who is telling that? That means you are there. Swapna kisne dekha? Maine dekha. Who is that man? Aap hai. और स्वप्न जागृत होने के बाद सबको बताते हैं ना, पता है मैंने कल स्वप्न देखा. कौन बता रहा है? वही जिसने स्वप्न देखा है. तो स्वप्न देखने वाला, सोने वाला और जागृत अवस्था एक ही है. कौन है वो? वो मैं सच्चिदानंद स्वरूप. आई एम विटनेसिंग ऑल दिस थ्री स्टेट्स. सो नाउ वी विल नॉट सी द डिटेल ऑफ ऑल दिस स्टेट दैट यू हैव टू स्टडी. बट this shloka only is elaborated in the next complete half section. And then come to page number 73 in English. Hindi mein aap prashn hai, atma tarhi kaha. Yahan tak kya bataya? Ye nahi hai, ye nahi hai, ye nahi hai. Kya nahi hai? Sthula sukshma karana sharira vyatirikta. पंचकोश अतीत अवस्थात्रय साक्षी. क्या नहीं है वो बताया है ना. स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरार व्यतिरिक्त. नॉट अ ग्रॉस बॉडी, नॉट अ सटल बॉडी, नॉट अ कॉजल बॉडी. पंचकोश अतीत. आई एम बियॉन्ड द फाइव शीट्स. अवस्थात्रय साक्षी. आई एम द विटनेस फॉर द थ्री स्टेट. देन व्हाट आई एम? देयर इज अ स्टूडेंट आस्किंग. आत्मा तरही कह सच्चिदानंद स्वरूप. नाउ दिस सच्चिदानंद इज मेड अप ऑफ थ्री वर्ड्स. सत, चित, आनंद. सो व्हाट इज सत, व्हाट इज चित, व्हाट इज आनंद? दैट इज डेल्ट हियर. सत किम? कालत्रयेपि तिष्ठति इति सत. दैट विच इज इन द पास्ट, that which is now also, and that will remain in future also. जो भूतकाल में था अभी है और आगे भी रहेगा. ऐसी कौन सी चीज है? आप अभी सोच के देखिए. मेरा शरीर तो नहीं रहने वाला, मन भी नहीं रहेगा, बुद्धि भी नहीं रहेगी. मैं घर कारोबार ये वो फैमिली ये सब भी जाएगा. एकदम फास्ट फॉरवर्ड आप कर दो. ये भागवत कथा वगैरह जो सुनते हैं उसमें तो इतनी इतनी कहानियाँ बताते, पूरा काल चक्कर बताते. सो मच फास्ट फॉरवर्ड, यू गेट स्टंड. अपना जीवन कहीं आप देखो फास्ट फॉरवर्ड कर, पीछे का आगे का तो सडनली क्या है वो? फिर जो तीनों काल में रहता है वो आप है. दैट यू आर सर. उसका स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप, चित्त स्वरूप. मैं जानता हूँ मैं हूँ, इस बात का मुझे ज्ञान है. आप ये कह सकते हैं कि स्वामी जी तब तो बोध आपने बहुत अच्छा बताया, मजा आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया. You told it very well, there were good jokes, everything nice, but I didn't understand, neither I remember anything. It's okay. But are you confused that you are
आप है इसके बारे में भी डाउट है क्या? नहीं। हाँ, आप क्या है उसके बारे में डाउट हो सकता है, मैं बुद्धिमान हूँ कि मैं बुद्धू हूँ, मैं आलसी हूँ, ये सब हो सकता है, लेकिन मैं हूँ कि नहीं हूँ इसके बारे में कोई डाउट नहीं होता है। वो अटेंडेंस ले ली सबने, सपोज रामनाथन जी वांट टू असिस्ट टुडेज कॉन्फ्रेंस, अटेंडेंस एवरीबडी केम, ही वन नेम ही मिस्ड सपोज। अरे वेर हाउ कम देयर माय नेम इज नॉट देयर इन द लिस्ट, मे बी आई वाज नॉट देयर। अरे यू माइट फॉरगेट व्हाट इज टॉट यू, बट हाउ कम यू आर देयर, और उसका कोई डाउट नहीं है। तो कैसा है ज्ञान स्वरूप, मेरे स्वरूप को मुझे ज्ञान है, हो सकता है कि वो गलत ज्ञान हो। मैं अपने आप को दूसरा समझता हूँ, लेकिन मैं हूँ कि नहीं इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है। चित स्वरूप, और आनंद स्वरूप कैसे है, क्योंकि जब कुछ नहीं होता है तभी भी मुझे नींद में इतना आनंद आता है, तो जो उसका जो स्रोत है वो तो मैं ही हूँ। वैसे जागृत अवस्था में भी जो आनंद होता है सच में देखा जाए तो वो अंदर से ही आता है, हमें ऐसे लगता है कि लड्डू खाने से आनंद हुआ है। लेकिन लड्डू खाने से मन थोड़ा शांत होता है तो अंदर का आनंद प्रकट होता है। ऑल द जॉयज विच वी गेट इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एक्चुअली दे जॉय इमर्जेस फ्रॉम विद इन यू ओनली, वट एवर इट मे बी, ईटिंग, सीइंग, म्यूजिक, डांस, वट एवर फाइव सेंसेस, एक्चुअली दैट क्वाइटन्स योर माइंड फॉर सम टाइम, so the joy within comes out, it gets a chance. So सचमुच में तो आनंद का स्रोत तो मैं ही हूँ, है ना। अब इसके ऊपर जैसे जैसे चिंतन करने लगेंगे हमें ये चीज़ महसूस होने लगेगी, है ना। अभी इसके बाद में दूसरा सेक्शन चालू होता है, what is that second section? The universe and Maya, जगत और माया, ये दूसरा, ये तत्वबोध जो है ना दो विभाग में, एक जो है अभी मेरे बारे में बात हो गई, अब दूसरी बात क्या है, ये दुनिया के बारे में, दुनिया कैसे बनी है, कहाँ से आई, किधर जाती है, उसका प्रयोजन क्या है, वो विषय चिंतन होगा। तो विषय शुरू होने के पहले पहले एक बात बताई क्या, हाँ, कि ये दुनिया का जो पूरा उत्पत्ति है वो बताने के पहले एक बात बताई क्या, अथ चतुर्विंशति तत्व उत्पत्ति प्रकारम वक्षामः। अभी 24 चीजें इसमें बताई जाएगी, हाँ, अब वो कहाँ से निकली है, ब्रह्माश्रया सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति। अरे ये जो एक तत्व मैं हूँ, आत्मा का जो वर्णन हुआ, बोले ये जो आत्मा जिसी को ब्रह्म कहा गया है, जिसी को सत्य कहा गया है, जो मेरा स्वरूप है, दैट विच इज माई नेचर, दैट एक्चुअली आई एम, क्या हुआ नॉट फाइंडिंग ओल्ड बुक, अच्छा एनी प्रॉब्लम, अच्छा there is an inherent power. What is that power? Power to delude. Delude whom? Myself. Oh. Delusory power. What is that? It's very mysterious. Let me forget myself. Like that is the power. What is that name of that power? It is called Maya. Maya. संस्कृत में माया शब्द का अर्थ होता है कि जो नहीं है, नहीं है, और संस्कृत में बोलते भी कैसे, देखो जो नहीं है, नहीं कि है, नहीं है, ऐसा बोलते हैं। मतलब क्या कि उसका परिणाम हमें दिखता है लेकिन सचमुच में ढूंढने जाए तो वो नहीं है, यू कैन फील द इफेक्ट बट इफ यू ट्राई टू सर्च इट, इट इज नॉट देयर, लाइक द अपीयरेंसेस। The popular example of Shankaracharya is, you are walking in a twilight and there is one rope, and because you don't see properly, you see it as a snake. Now if you see the rope as a snake, it gives birth to so many things. First is fear. I get scared. Now how can the rope make you scared? No, it didn't. I am not seeing rope as a rope.
But I am seeing rope as a snake. Why I see that? Brahma ho gaya. I got deluded. This ability to get deluded. This is called Maya. And because of that, other 100 things can go on there. Thereafter, I may take a PhD course in how to get rid of the fear of snake. And different type of snakes and the poisonous snake and the non-poisonous snake and how to deal with that. You can study a lot of things. But what is the crux of the matter? There is no snake. So that all that what you studied, it is a waste. Why? Because there is no snake, so it is not going to bite you. There is no question of poison spreading in your body. The whole pyramid is built on the delusion. And then we take up so many things to get rid of all that which is not there. So the creation is based on delusion. पूरी सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो कैसी हुई? माया शक्ति से. माया माने ब्रह्म. ब्रह्म से सब पैदा हुआ. ऐसे कैसे कह सकते है? हाँ, नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि आप भी उसका एक भाग है. आप उससे बाहर है तभी ऐसा कह सकते. कौन कह सकता है इसको? वो शंकराचार्य जी से. ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या. वो क्यों कह सकते? वो उड़ गए. जैसे स्वप्न देखते समय आप थोड़ी कह सकते कि स्वप्न झूठा है. वो कब कहते हैं? जब आप उड़ जाते हो तब कहते हो. स्वप्न देखते रहते थोड़ी कहते हैं. वैसे हम अभी कैसे कहेंगे कि सब जगत मिथ्या है? अभी तो उसके लिए तो जागृत होना पड़ता है. तब जाके ये पता चलेगा. अभी स्वप्न रहते हुए कोई अगर कहे कि ये स्वप्न मत माने, क्या? डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली. दैट इज द मैटर. स्वप्न में अगर कोई शेर आ जाए तो भागो फिर. लेकिन सच्चाई क्या है? वो शेर आपको खा नहीं सकता. अगर उसने खा लिया समझो तो क्या होगा? उड़ जाओगे आप. कुछ लोग वेदांत को भी ऐसे ही बोलते हैं, ये तो लायन है. Lion, but it will eat you up, and then what will happen? Then you will wake up. तो जब हम कहते हैं कि ये सब भ्रम है, उसका मतलब क्या हुआ? What am I supposed to learn from it? Learn from it and don't take anything to heart. Keep doing your thing. For what? For nothing. To keep your mind stable. Nothing else. अपना ड्यूटी करने से मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलने का? ऑलरेडी यू आर सच्चिदानंद स्वरूप. तो देन व्हाई शुड आई डू माय ड्यूटी? इफ आई डोंट डू माय ड्यूटी आई विल गेट डेल्यूडेड मोर एंड आई विल स्टार्ट थिंकिंग दिस वर्ल्ड इज रियल. सो व्हेन आई डू माय ड्यूटी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न. आई एम डूइंग माय ड्यूटी ओनली टू कीप माय माइंड स्टेबल. दैट्स ऑल. इफ एट ऑल आई टू गेट एनीथिंग आई हैव टू रियलाइज दिस ट्रुथ. तो दुनिया में हिसाब मत लगाते बैठो. ये मैं क्यों करूँ, वो मैं क्यों करूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा? बंद करो सब. क्यों? ये मिथ्या. इवन इफ यू गेट इट, इट इज यू फुलिश गेन. अब स्वप्न में आपको एक लॉटरी लग जाए 10 करोड़ की, 100 करोड़ की, क्या करना है उसका? बहुत उछल कूद करने की जरूरत नहीं, वेस्ट है. आपको गड़बड़ भी हो जाए, आपको कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप कीचड़ में गिर जाओ, टांग टूट जाए, कुछ हो जाए, तो भी रोने की जरूरत नहीं. क्यों? उड़ जाओ तो सब ठीक ठाक है. तो व्हेन दे से दैट वर्ल्ड इज डेल्यूजन, उससे हमें क्या सीखना है? डोंट टेक एनीथिंग टू हार्ट. नेदर लॉस नॉर गेन. बी क्वाइट. लॉस गेन, देन व्हाट शुड आई डू विद इट? ऑफर इट टू लॉर्ड. बोथ बिलोंग टू हिम. भगवान की मर्जी. बस. What am I supposed to do? Meditate on you till you awake. So I am should not get deluded in this world. So the world is also analyzed. How the world is made and how these things are made and how the emotions, everything is discussed. How these panchakoshas came and how their panchikarana, how they got mixed up in each other. And from that, how this all living beings came, and then the inert things came. All that is told, everything in detail. Then we have seen two things. What is that? One, we have seen about ourselves, what we are not, what we are. Then we have seen about the world.
हाउ द वर्ल्ड केम एंड व्हाट इट इज, अपने बारे में देखा, दुनिया के बारे में, जीव हो गया, जगत हो गया, देन हाउ दिस ऑल इज गवर्न्ड, ईश्वर, विच पावर इज मेंटेनिंग ऑल दिस बोथ, दैट अननोन थिंग व्हाट इज ईश्वर. ईश्वर का मतलब क्या होता है, जिसका शासन चलता है उसको ईश्वर बोलते हैं. किसकी सत्ता चलती है, मेरी सत्ता तो नहीं चलती. व्हेन यू क्लेम दैट दिस इज माय हाउस, ओके दिस इज योर हाउस, दिस इज योर माय रूल हैज टू बी ओबेड इन दिस हाउस, अच्छा आपका रूल चलता है, ओके योर रूल, ओके देन यू ऑर्डर योर हाउस, लेट द पेंट नॉट गेट फेडेड, लेट देयर बी नो क्रैक, कैन यू ऑर्डर, no, it is governed by the nature's law. After 3-4 years you have to paint it. Let it never become dirty. Let it be clean. Your house, no, you give order. नहीं आपका order नहीं चलता है. कौन सा order चलता है फिर? वो उसकी सत्ता से चलता है. कुछ भी आपका नहीं चलता है. This is my car, this is my house. So if it is your house, it is, you say, this is my body, you say, no? Okay, then order that body. Don't get old. Order. कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते. वो तो अपने नियम से चल रहा है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा घर, कारोबार, दुनिया में एक चीज पे भी हमारे सत्ता नहीं है. किसकी सत्ता से चल रहा है, किसके ऑर्डर से चल रहा है, ईश्वर. कौन है वो ईश्वर, वेर इज ही, व्हाई इज ट्रबलिंग मी, उसका ध्यान किधर है, हाउ टू अप्रोच हिम, वेर इज ही सिटिंग, हेलो व्हाट, ऑलरेडी यू स्टडीड दैट देयर इज ओनली वन ट्रुथ इन द वर्ल्ड, दैट देयर इज नो टू थिंग्स, गॉड सेपरेट फ्रॉम यू, यू थिंक देयर इज गॉड सिटिंग समवेयर अबव द क्लाउड्स, नो 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 नो, दैट इज ऑल्सो अ डेल्यूजन, दैट आई एम सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड. In the heart of heart, what I am saying, Atma, that is what is there, Ishvara, how then these are feeling two different, Bheda Buddhi kaise ho gayi, Agyan se, because of ignorance, if you know the crux of the world and its governance, and if you see the crux of your own self, you will reach one place only. That is the truth. So there is no separation. It is like the wave in the ocean. Ocean is one name. Ocean is made up of water. And the wave is made up of water. So ocean and wave are two names given to water, same water, actually it is one. So, Ishwar or Jeev, ye do naam diye hai, kisko? Ek hi Brahma tattva. To jo wave hai na, jo lehar hai, usko dar lagta hai, kya, main mar jaungi. Lekin jab wo dhyan karegi apna swaroop janegi, swaroop kya hai? Pani. Pani ka to maran nahi hai. Wo wave to lehar jaise jaise kinare pe jati hai, phir phoot gayi. लेकिन उसके अंदर जो पानी है वो तो उधर ही है, नहीं? और सभी लहरें मिलाकर जो बनता है वो ओशन कहलाता है. तो ये ओशन नाम की कोई अलग चीज नहीं है, और लहर, वेव एंड ओशन, दिस टू नेम्स हैव नो मीनिंग अपार्ट फ्रॉम वाटर, इट इज एक्चुअली वाटर. तो लहर और समुद्र, ये दो नाम किसके हैं, पानी के ही दो नाम है. सचमुच में वो क्या है, पानी. उसी तरह हम और ईश्वर, इसमें भेद नहीं है. हम अपने आप को अगर शरीर समझते हैं तो फिर क्या हो गए, हम छोटे से हो गए. लेकिन अगर हम अपने स्वरूप को जानेंगे तो शरीर भी मैं नहीं हूँ, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है. हम जिंदा हैं ना, ये जिंदापन क्या है, वही ईश्वर का स्वरूप है, वही मेरा भी स्वरूप है. इस तत्व को जान लेना
वही सबसे भय मुक्ति होगी। फिर उसको तो कोई जन्म मरण नहीं है, जन्म मरण किसको है, वो लहर को है, वो आकार को है, पानी को तो कभी जन्म मरण है ही नहीं, वो लहरें उठती है चलती है। उसी तरह मुझे कभी मरण नहीं है, ये शरीर को जन्म है उसको मरण है। स्वामी जी का एक लेक्चर चल रहा था, उसमें इन्होंने ये बात बताई ज्ञान यज्ञ में, तो एक आदमी बाहर आ गया, अगर मैं इस चीज़ को समझ लूँ तो क्या सचमुच में मुझे मरण का भय नहीं लगेगा, मैं अमर हो जाऊँगा, मेरा मरण नहीं होगा। बोले बोले नहीं नहीं तुम्हारा तो मरण जरूर हो जाएगा। अरे अभी तो सबने आपको कहा बोले ऐसा क्यों मेरे लिए, नहीं नहीं क्योंकि तुम मानते हो कि तुम्हारा जन्म हुआ है। जब तक आप समझते हो कि मेरा जन्म हुआ है तब तक मरण तो निश्चित है, क्योंकि जन्म शरीर का हुआ है तो आप शरीर को मैं मान। जिस दिन आप समझ जाओगे कि मेरा कोई जन्म दिवस नहीं, मैं तो उसके पहले भी था, एक दिन मुझे शरीर मिला सके और वो एक दिन चला भी जाएगा, मैं तो शरीर नहीं। अब ये हमारे लिए बहुत नई बात है, इसलिए अचंभित हो जाता है, और जो चीज़ मैं नहीं हूँ उसी के ऊपर बहुत चिंतन हुआ है तो वो सच्चाई लगती है। मन का स्वभाव क्या है, जो बात उसको 10 बार बताई जाए उसी को वो सच मान लेता है, सच में हो या नहीं हो, है ना। वो पंचतंत्र में ऐसी कथा आती है ना, वो 3 चोर होते हैं और उनको वो एक ब्राह्मण से चुराना होता है, तो ब्राह्मण किसी गांव में गया था पूजा करके, उसको एक गाय मिलती दान में, तो वो ले जाता और वो हट्टा कट्टा ब्राह्मण है, वो चोर को ऐसे हाथापाई करेंगे तो वो तो पीटेगा। तो बुद्धि से काम लेते हैं। तो एक चोर जाता है, उसको कहता है नमस्कार करता है, नमस्कार, अरे 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 आप ये क्या कर रहे हो, तो क्या वो गधे को क्यों लेके जा रहे हो। तो ब्राह्मण पहले तो वो होशियार रहता है, जैसे सब कैंपर से अभी पढ़ने आए, फर्स्ट टाइम वो है पागल है, तुझे कुछ विवेक नहीं है, गाय और गधे का फर्क नहीं समझता, पागल के आगे वो चला जाता है। थोड़े समय जाने का दूसरा चोर आता है और वापस वो भी कहता है नमस्कार, अरे 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 क्या कर रहे हो गधे को, बोलते कि सभी लोग पागल हो गए, क्या हो गया, पहला एक हो गया दूसरा भी, उसको भी हकार देते हैं। तब तक उसका कॉन्फिडेंस था कि मुझे सचमुच दिखता है। और तीसरा चोर आ गया वो कुछ समय के बाद में, उसने कहा नमस्कार, अरे ये क्या कर रहे हो गधे, तब उसको डाउट हो गया। 3-3 लोग कैसे झूठ बोल सकते, और वो भी वो वहाँ था ये इधर था, आई थिंक सब लोग कह रहे तो फिर ये गला ही होगा, पता नहीं कैसे है वो, जरूर कुछ भूत प्रेत होगा, वाई टू टेक रिस्क, ऐसा वो छोड़ दिया गया, वो लेके गए। वैसे हम लोगों को भी बचपन से बताया गया, चुन्नू मुन्नू राजू कानू, तुम यही हो तुम यही हो, तो वो ये सोच वाई टू टेक रिस्क। मैं यही हूँ, और उधर तो 3 चोर थे, इधर तो पता नहीं कितने 30,000, 30,000, 30,000, 3 लाख कितने लोग हो गए, पता है वही बात बार बार बताते रहते, बी कॉन्शियस ऑफ योर करियर, थिंक अबाउट समथिंग, स्टैंड ऑन योर फीट, अपना कुछ जीवन की तरफ देखो, कुछ कमाओ, कुछ सीखो, बार बार बता 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 के हमको ये पक्का हो गया कि अभी मैं यही हूँ, कुछ किसी ने नहीं बताया कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप। पुराणों में कथा आती है, एक माता जी थी वो मदारसा, वो तो अपने बच्चों को पैदा होते ही बताते तुम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो, वो शुरू से वही सिखाया, तो दे नेवर गेट डिल्यूटेड, दे चिल्ड्रन नेवर गॉट डिल्यूटेड, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए बचपन से। अब हमें ही पता नहीं तो बच्चों से कहाँ से सिखाएंगे। एक डूबता दूसरे डूबते को कहाँ से सिखाएगा। तो हम बार बार इस चीज़ का अभी ये बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको बहुत सारा रिपीटेशन किया तो मन अभी उसमें स्थिर हो गया। किस में स्थिर हो गया, अस्थिर चीज़ों में स्थिर हो गया। दैट विच इज रेस्टलेस देयर माइंड इज फाइंडिंग द पीस एंड जॉय, कैसे मिल सकता, नाउ वी हैव टू वर्क ऑन आवर माइंड, अभी हमारे मन पे हमें काम करना पड़ेगा, उसे बार बार बताना पड़ेगा और उन चीज़ों से बुद्धि से निकालना पड़ेगा और फिर अपने स्वरूप में स्थित करना पड़ेगा। Then it will happen. कितना समय लगेगा, अरे क्या समय की क्या बात है, इट्स अ मैटर हाउ मच टाइम यू वांट टू प्ले मोर। आपको कितने दिन खेलना है, खेलते रहो, जब आपका मन उब जाएगा खेलने से
The moment you want it, you can. It's a matter how quickly you want. कितना देर लगेगा ऐसी बात नहीं है, आपको कितना जल्दी चाहिए उसके ऊपर है ना. तो लेट दिस कैंप फैसिलिटेट इन स्पीडिंग अप दिस प्रोसेस ऑफ नोइंग माई सेल्फ. हम यह में मिथ्या ब्रेक लेंगे, मिथ्या आनंद भी लेंगे, थोड़ा चाय कॉफी पीजिए चाय आराम से, बट जानिए एंजॉय द वर्ल्ड, इट इज फॉर यू ओनली. गुरुदेव कह रहे लेट नॉट द वर्ल्ड एंजॉय यू, एंजॉय. So after the tea break, then we will assemble here. Maitriji will beautifully conclude the session. You know, interesting. Then we'll have bhojan prasad. Okay. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kashchit dukkha bhavah.